आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान शिव की नगरी सिवनी, सिवनी से उद्गमित है पुण्य सलिला पैनगंगा। पैनगंगा का लखनवाड़ा तट, लखनवाड़ा घाट हम आपको दिखा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पैनगंगा के लखनवाड़ा ग्राम में स्थित लखनवाड़ा का ये तट, यहाँ पितरों को जल देने, पितरों का तर्पण करने लगातार 15 दिन तक श्रद्धालु पहुँचते हैं। जिनके पिता ब्रह्मलीन हो जाते हैं वे यहाँ पहुँच कर अपने पिता, आजा, दादी, नाना, नानी, जितने भी दिव्य, जितने भी उनके परिजन जो ब्रह्मलीन हो गए हैं उन्हें जल उनके द्वारा दिया जाता है। ये कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अखिलेश दुबे की रिपोर्ट SB डिजिटल के द्वारा, SB फोटोग्राफी के द्वारा ये सारे जितने भी फुटेज हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए सुबह सवेरे पौ हटते ही यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच जाते हैं और विद्वान आचार्यों के द्वारा विधि विधान के साथ यहाँ पितरों का तर्पण कराया जाता है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं पितृमोक्ष अमावस्या की सुबह का नज़ारा। घाट पर जिस तरह भीड़ होती है वो देखते ही बनती है, पितरों को जल देने किस तरह लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आचार्यों के द्वारा, विद्वान आचार्यों के द्वारा विधि विधान से उन्हें तर्पण कराया जाता है। पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों को विदाई देने, पितरों को अंतिम इस वर्ष जो जल दिया जा रहा है इसके बाद पितर विदाई ले लेंगे, ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। पितृमोक्ष अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर 2024 का ये नज़ारा, पैनगंगा का ये लखनवाड़ा तट। इस लखनवाड़ा तट को जीर्णोद्धार के लिए कई बार कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन तो दिए गए पर यहाँ पर काम नहीं के बराबर ही कराए गए हैं। देखा जाए तो यहाँ स्टॉप डैम बनाया जा सकता है। एक स्टॉप डैम यहाँ पर जो हरे रंग का आपको पेड़ दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक स्टॉप डैम हुआ करता था और इस स्टॉप डैम से सिवनी शहर को जलापूर्ति की जाती रही है, वो भी दोनों समय, सुबह और शाम दोनों वक्त जलापूर्ति इसी पुण्य सलिला से हुआ करती थी। चंदवाड़ा चौक पर एक फिल्टर प्लांट हुआ करता था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ स्टॉप डैम बनाया जा सकता है, 2 स्टॉप डैम बनाए जा सकते हैं ताकि साल भर पुण्य सलिला में जल की कमी ना हो पाए और इसी जल से लखनवाड़ा के ग्राम के लोगों की प्यास को भी बुझाया जा सकता है। पर इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जनप्रतिनिधि या जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में संज्ञान लें। बहरहाल बुधवार 2 अक्टूबर 2024 का नज़ारा और देखिए यहाँ पर आपको कतारबद्ध बैठे हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे जो अपने पितरों को, अपने पिता, अपनी माता, भाई, बहन, भाभी, बहनोई, नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी, मौसा, पत्नी, पुत्र, जो भी दिव्य ज्योति हैं, जो भगवान के पास ब्रह्मलीन हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर जल देने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आज विद्वान आचार्यों के द्वारा उन्हें जल दिलवाया जाता है, विधि विधान से तर्पण कराया जाता है, उनका पिंड दान भी कराया जाता है, यहाँ पर पिंड पाड़े जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पुण्य सलिला पैनगंगा का लखनवाड़ा घाट, इस लखनवाड़ा घाट को और उन्नत बनाया जा सकता है और बहुत ही करीने से इसे बनाया जा सकता है। कभी कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की दिखाई देती है। यहाँ महिलाओं के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं हैं, महिलाओं के लिए एक पृथक घाट की मांग लगभग 4 साल पहले की गई थी। दिनेश राय मुनमुन तत्कालीन विधायक थे, वर्तमान में भी वे विधायक हैं। उनके द्वारा सिवनी के छोर की तरफ, जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं यस वाला घाट और दाईं तरफ भी एक घाट है, उस घाट को महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात उनके द्वारा की गई थी पर अभी तक वहां घाट तैयार नहीं हो पाया है।
इसके साथ ही यहाँ दो घाट और बनाए जाने थे, कुल तीन घाट बनने थे जिनमें से संभवतः दो घाट बनाए गए। उन दो घाटों का भी जो गुणवत्ता किस तरह की है, इस गुणवत्ता को अगर जांच लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी अपने अपने पितरों को, अपने अपने सखाओं को, अपने अपने संबंधियों को जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं उन्हें जल देते हुए नज़र आ रहे हैं। अद्भुत नज़ारा यहाँ पर 15 दिनों तक दिखाई देता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर तर्पण करने आते हैं उनके द्वारा घाट का विशेष ध्यान रखा जाता है, घाट की साफ़ सफाई भी की जाती है। और जब अंतिम दिन भंडारा जो हमने आपको दिखाया, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर शाम के समय माता बैनगंगा पुण्य सलिला बैनगंगा की आरती किस तरह हुई, ये भी हम आपको दिखाएंगे आगे। और उसके बाद घाट की सफाई, सभी सफाई यहाँ पर की जाती है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, घाट का विशेष ध्यान रखा जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।